नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। जानते हैं क्या है आज की ताजा खबरें। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली की आम जनता पार्टी पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई की ओर से शुक्रवार को आयोजित एक डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए ईरानी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि जिस नेता ने स्वराज की बात की और अपनी किताब में शराब की दुकानों के खिलाफ धरना देने और उन्हें बंद करने की बात की, वहां अब दिल्ली के हर वार्ड में शराब की दुकान खोलने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। केजरीवाल के शराब की दुकान खोलने के फैसले ने साबित कर दिया है कि वह लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा एक मंदिर बना रही है और दिल्ली सरकार उसके पास एक शराब की दुकान खोल रही है। यूपी के रामपुर में भीषण सड़क हादसा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शुक्रवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोग की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यहां एक अनियंत्रित कार ट्रक से जा घुसी। हादसे का शिकार हुई कार में ड्राइवर सहित 6 लोग सवार थे, जिसमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। फिर बिगड़ी लता मंगेशकर की तबीयत। ब्रेंच कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रतीत मंदानी ने लता जी की हेल्थ को लेकर नया अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि लता जी की तबीयत दोबारा से बिगड़ गई है और इस वक्त वह वेंटिलेटर पर हैं। ऐसे में लता जी की तबीयत को लेकर फैंस की चिंता बढ़ गई है। बता दें, कोरोना से संक्रमित होने के बाद से पिछले 27 दिनों से उनका इलाज चल रहा है। जस्टिन लैंगर ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच पद से दिया इस्तीफा। ऑस्ट्रेलिया मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच जस्टिन लैंगर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लैंगर ने तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ दिया। उनके मार्गदर्शन में ऑस्ट्रेलिया ने हाल में 5 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 से रौंदा था। इसके अलावा लैंगर के कोच रहते ही ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वह 4 साल तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के हेड कोच रहे। लैंगर के इस्तीफे देने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एंड्रू मैकडोनल्ड को अंतरिम कोच बनाया है। मैकडोनल्ड इससे पहले सहायक कोच थे। धन्यवाद।